ये पूर्व सभापति रतनलाल यादव जी के मकान के पास में गड्ढा है। पूरे कल्याणीपुर रोड पे सीवरेज लाइन की ये स्थिति हो रही है कि सब जगह जो सीवरेज ओवरफ्लो के रास्ते में पानी बाहर आ रहा है और गड्ढे से पानी निकल रहा है। करीब एक डेढ़ दो दो फुट गहरे खड्डे हो गए। सारी कल्याणीपुरा की करीब 15-20 बसें यहाँ से चलती है और मतलब इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब हम भी परेशान हो गए। अभी इन्होंने रास्ता बंद कर रखा था, मैं आया तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी, मगर मैंने इनको समझाइश करके रास्ता खुलवाया है और अधिकारियों से बात करी है तो अधिकारी आ रहे हैं और उसको जैसे वो तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे और इनको जनता को रिलीफ देंगे। केला ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, ये अपने नरेश खंडेलवाल की दुकान के जैसे सामने ये है, यहाँ सिविल लाइन का ये पूरा नाला खुदा पड़ा है, पानी निकल रहा है। इसके अंदर आए दिन एक्सीडेंट होता है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़कियाँ गिर रही है, पूरी रोड पे ये हालत हो रही है। टेट कल्याणपुर तक रोड पे हालत हो रही है। अभी हमने 2-3 दिन से रोज़ शिकायत कर रहे हैं, हमारी शिकायत का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें मजबूर होकर प्रशासन के खिलाफ हमने रास्ता जाम किया। गलती से हमारे पार्षद साहब कल्याणपुरा के वो आ गए कैलाश जी, हमने उनको रोक दिया, उनकी गाड़ी रोक दी और उनने अभी मैडम को फ़ोन किया है। अगर मैडम आती है ठीक है, नहीं तो हम फिर इसका रास्ता जाम करेंगे। प्रशासन और इसका ध्यान दें और हमें ये सही कराए। सुबह क्षेत्र में ये सिविल लाइन का काफ़ी दिनों से पानी बह रहा है और बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही दो लड़कियां गिर गई, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए और काफ़ी गाड़ियां गिरती है रोज। कोई सुनवाई नहीं कर, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इतने दिन हो गए कि आ रही है गाड़ी, देख के जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज क्या हुआ? आज दो बच्चे गिर गए, इस चक्कर से हमने ये रास्ता रोड जाम किया। बच्चे और काफ़ी बच्चों के लगे, इसलिए हमने ये रास्ता जाम किया। सुलोचना का छावा।